जिला सूचना केंद्र रामबन द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बहुभाषी मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें चिनाब घाटी और पीर पंचाल के प्रसिद्ध कवियों ने विभिन्न भाषाओं में अपनी अपनी प्रसिद्ध कविताओं और गजलों को पेश किया। इस अवसर पर एडीडीसी नवाब दीन मुख्य अतिथि थे। मुशायरे की अध्यक्षता प्रतिष्ठित कवि और शिक्षाविद मोहम्मद खालिद द्वारा की गई। वहीं सीईओ रामबन, डिप्टी सीईओ, सीनियर एडवोकेट मुश्ताक अहमद और बड़ी संख्या में कई साहित्यकारों ने भाग लिया। मुशायरे के दौरान विभिन्न प्रसिद्ध कवियों द्वारा स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने के लिए उर्दू, कश्मीरी, पोगली, डोगरी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा गजलें भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर एडीडीसी ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सूचना विभाग की सराहना की और विभाग को भविष्य में भी इन मनोरंजन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कहा। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में लेखकों, कवियों और कलाकारों को सम्मानित किया गया और विभाग द्वारा कलाकारों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। ये मुशायरा जो है, ये संलाब अभी बताएगी कि मरकज जो है, इसके जो इसके मेंबर हैं वो कुछ दिन बाद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए थे कि वो एक मुशायरा करना चाहते हैं। तो आज का जो तारीख जो थी वो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से दी गई थी कि ये मुशायरा यहाँ करें। और बड़ा मकसद जो था कि जो जदीद अहद की जो दौड़ है उसमें लोग जो हैं वो अदब की तरफ से, वैल्यूज़ की तरफ से, इकदार की तरफ से गाफिल होते जा रहे हैं। तो ये थी कि वो लोग जो हैं दोबारा अदब की तरफ आएँ और जो मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं उनकी प्रमोशन में, उनकी बढ़ोतरी में, उनकी तामीर व तरक्की में ये मुशायरा जो है ये उसका जीना बने, उसका ज़रिया बने और मुख्तलिफ जो ज़बानें हैं उनके शायरों को अपने एहसास, अपने ख्याल जो हैं उनके इजहार का मौका।